दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अजीबोगरीब फ्लावर्स की जो अपनी शेप की वजह से काफी अजीबोगरीब लगते हैं, पता ही नहीं चलता फ्लावर है या फोटोग्राफी है। नंबर वन, रैफ्लेशिया। जी हाँ, ये इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया में पाया जाता है। इसको उगने के लिए 9 से 10 महीने लगते हैं और 1 हफ्ते तक ही ये जिंदा रह पाता है। नंबर टू, टाइटन एरम। ये अपनी स्ट्रक्चर की वजह से बहुत फेमस है। इसके अंदर से इतनी गंदी स्मेल आती है जिससे डेड बॉडी के अंदर से आती है। नंबर थर्ड, ब्लीडिंग हार्ट। ये आपको देखने में ही पता चल रहा है कि जैसे हार्ट के अंदर से कोई कुछ ब्लीड कर रहा है, ड्रॉप निकल रही है, इसलिए इसका नाम ब्लीडिंग हार्ट है। इस फ्लावर को ज्वेलरी बनाने में भी काफी यूज किया जाता है। जी हाँ। नंबर फोर, की फेस ऑर्किड। इसका बोटानिकल नेम ड्रैकुला सीमिया है। ये पेरू के जंगलों में पाया जाता है। इसको करीब से देखने पर लगता है कि कोई मंकी स्माइल कर रहा है, और हैरानी की बात ये सालों तक ऐसे ही परसिस्ट रहता है।